नारायण बाजार के अंदर जो बर्फ हुआ है ना, ये गाड़ी के ऊपर देखो। नारायण बाजार के मून हॉस्पिटल, मून रेस्टोरेंट के पास में इधर खड़ा है। पूरे एरिया में नारायण का नीचे एरिया है बाजार का। और आज तारीख जो है वो 15 नवंबर 2024। आप देख सकते हैं हम नारायण में मौजूद है, कितनी तेज बर्फबारी हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदो सलाम, बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज 15 नवंबर 2024, अभी तक नारायण खुला है और नारायण शहर में पहली बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है। हमारे सब्सक्राइबर यहाँ नारायण के अंदर मौजूद हैं और हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। रात के बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ, सुबह तक जारी रहा, लेकिन अभी इस वक्त बर्फ़बारी नहीं है। ये जिस वक्त अभी हम आपको क्लिप्स दिखा रहे हैं तो इस वक्त बर्फ़बारी रुक चुकी है। होटलों की छतों के ऊपर और इर्द गिर्द आपको बर्फ़ पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अजायतुल्ला साहब और इसी तरह हमजा शेख साहब जिनसे वो यहाँ मौजूद हैं और वहाँ से हमें ताज़ा तरीन अपडेट फ्राहम कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि इस वक्त वहाँ पर नज़ारे क्या हैं, वहाँ पर हालात क्या हैं और क्या यहाँ पर आना चाहिए इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। वेदर फॉरकास्ट को मैं अगर मैं देख रहा हूँ तो बर्फ़बारी की शिद्दत अब हमें कम होती हुई दिखाई देती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि बस जो बर्फ़बारी का स्पेल होना था हो गया, हो सकता है आज रात या शाम को थोड़ी बहुत बर्फ़ मज़ीद हमें देखने को मिले, इसके अलावा बर्फ़ हमें नहीं दिखाई देगी नारायण के अंदर। और फिर आगे हमें मौसम खुश्क नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी मज़ीद नारायण खुला हुआ हमें मिलेगा और अभी नारायण बंद होने के चांसेस हमें बहुत कम नज़र आते हैं। अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स ने वीडियो भेजी है आपके सामने रखते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुने और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली मौसम की सूरत हाल क्या है और क्या आने वाले दिनों में आप नारायण जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। इसके बारे में वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मलिक अब्दुल सबूर साहब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह सुबह 7:30 बजे का टाइम है, 15 नवंबर 2024। नारायण बाज़ार में रात से शदीद बारिश हो रही है, ये पहाड़ों पे देख सकते हैं शदीद बर्फ़ पड़ रही है रात की। और ये होटलों के ऊपर भी देखे, गाड़ियों के ऊपर भी देखे आप, नारायण बाज़ार के अंदर ये मराज है। ये देखें पहाड़ ने, सबज पहाड़ों ने वाइट चादर ओढ़ ली हुई है। ये नारायण बाज़ार होटल के अंदर के मनाजर है और सर्दी इतनी शदीद है कि मेरे से वीडियो भी नहीं बनाई जा रही। ये देखें, ये देखें, ये देखें गाड़ियों, ये देखें नारायण बाज़ार, ये नारायण बाज़ार, ये देखें। हम लोग लाहौर से आए हैं और सब्सक्राइबर हैं मलिक अब्दुल सबूर साहब के, उनके लिए स्पेशल सुबह सुबह छोटा सा क्लिप बना के आपको दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अभी बारिश होती है फिर पीछे बर्फबारी होती है। कल रात को बहुत तेज शदीद बर्फबारी हुई थी जिसके नतीजे में देख सकते हैं आप सारे पहाड़ भरे हुए हैं, होटलों की छतें भी सारी भरी हुई हैं, गाड़ियों के ऊपर भी सारी बर्फ गिरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पर हम अब्दुल मलिक अब्दुल सबूर अंकल के लिए बना रहे हैं, तो मेरा आपको पैगाम है कि आप जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर फीचर कीजिएगा, क्योंकि आप इस वक्त 7 बजे हुए हैं और लाइव बर्फ जो पड़ी हुई है वो पहाड़ों के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल शकूर भाई। ये 15 नवंबर को सुबह का स्नोफॉल हुआ है नारायण बाज़ार में। ये
सुबह का वीडियो आपको भेज रहा हूँ। पूरा एरिया में स्नोफॉल, नीचे रोड पे भी हुआ है, गाड़ियों पे भी बर्फ पड़ा है, पूरा स्नोफॉल हुआ है। ये पूरा वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। हम लोग आपकी तवसत से आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह देख लिए। ये नारायण बाज़ार की वीडियो है, कल इधर नहीं हुआ था बारिश, लेकिन आज सुबह सवेरे हुआ है इधर। अभी भी हल्की हल्की बारिश शुरू है। ये नारायण बाज़ार की वीडियो है। जी दोस्तों, आपने अदायतुल्ला भाई और अजीम शेख साहब, आके मैं नाम शायद गलत ले गया हूँ, और उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं नारायण बाज़ार के अंदर। उन्होंने ताज़ा तरीन हमें अपडेट बना के भेजी है, और ये अपडेट कल की थी। जिस वक्त तो आप नज़ारे देख रहे हैं, जो पहले नज़ारे देखे हैं वो आज के हैं, अब से कुछ देर पहले के हैं, यानी हम कह सकते हैं कि लाइव अपडेट है। पिछली वीडियो में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जी आप लाइव किसे कहते हैं, तो लाइव जनाब यही होता है कि आप एग्जैक्टली लाइव वहाँ से करना। मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरे तो सब्सक्राइबर मौजूद हैं, तो मुमकिन नहीं है। तो जैसी अब से कुछ देर पहले की, यानी कि आधा घंटा घंटा पहले की जो वीडियोज़ होती हैं वो लाइव ही गिनी जाती हैं, और इस लिहाज से कि इस वक्त करंटली वहाँ पर सिचुएशन क्या है ये बताना जाना हमारा मकसूद होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को ब्लफ कर रहे हैं या किसी के साथ धोखा कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बताई जाती है। जैसे आप ये मनाजर जिनसे हैं ये कल के गुज़श्ता रोज़ 15 तारीख है, और एक हमारे मोहतरम बाबर एडवोकेट साहब वो मोहब्बत फरमाते रहते हैं, कल वो कह रहे थे कि जी ये फेक वीडियो है। हालाँकि फेक वीडियो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे जो सब्सक्राइबर वहाँ मौजूद थे, कल सुबह सुबह के टाइम ये बर्फ़बारी हुई, और शायद वो बाद में गए और उन्हें बर्फ़ ना मिली हो तो उन्होंने ऐसी बात कह दी है। बरकैफ हमें इस चीज़ से नहीं होता, हम तुम्हारी तो कोशिश होती है कि एग्जैक्टली जो असल में जो हकाइक हों वो आपके सामने रखें। नारायण के अंदर मज़ीद बर्फ़बारी के हवाले से आज भी वेदर फॉरकास्ट में नज़र आ रहा है, लेकिन अब परसेंटेज कम होती जा रही है। परसेंटेज पर गौर किया करें, बर्फ़ दिखाई तो दी जा रही है लेकिन परसेंटेज उनसे वो 40-50% है। तो ऐसे में 50 से कम होने की सूरत में फिर बर्फ़बारी का चांस कम हो जाता है, लेकिन रब कादर करीम है, जब चाहे जहाँ चाहे वो बर्फ़ बरसा सकता है। उम्मीद तो की जा सकती है कि मज़ीद बर्फ़ होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मज़ीद बर्फ़ हो। लेकिन फिर भी अभी ये एक खुशखबरी ज़रूर बन चुकी है कि नारायण अभी मज़ीद खुला रहने का पूरा इम्कान मौजूद है, क्योंकि बर्फ़ जब तक 1 फुट तक नहीं पड़ती तब तक नारायण के कुछ होटल्स खुले रहते हैं, जिसमें पाक व्यू होटल और दीगर होटल शामिल हैं, जो कि मुकामी लोगों के हैं वो होटल खोले रखते हैं, और जो टूरिस्ट जाते हैं उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाता है। तो बरकैफ जब तक नारायण खुला है हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। नारायण खुला नहीं भी होता तब भी हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से आपको अपडेट देते रहें। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, आप शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें कि कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, और कोई गया है तो उसे कैसे नज़ारे देखने को मिले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।